New Hope TV, your encounter with God. Shall we get into the word now? चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त. Today I want to talk to you about something that's very dear to the heart of God. और आज पासवान जी आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातों पर जो प्रभु के दिल के बहुत ही करीब हैं. It's about worship. या आराधना के बारे में. Go with me to the book of John chapter 4 and everybody uses this. So something very familiar, not common. I would not like to use the word common, but familiar. Yeah. तो चाहते हैं कि सभी लोग इस वक्त निकालेंगे यूहन्ना के चौथे अध्याय में. देखिए बहुत ही जाना पहचाना सा आयत है. And let's read verse 23. और आइए पढ़ेंगे उसके 23वें वचन से. And Jesus is talking about worship to the Samaritan woman. और यीशु यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सामरी महिला के साथ आराधना के बारे में. He could have spoken about any topic. देखिए दूसरे किसी भी विषय पर वे बोल सकते थे. But Jesus decided to speak about this one very topic to this woman. लेकिन हम देखते हैं यीशु ने बस इसी एक खास विषय का इस्तेमाल किया या चुनाव किया इस महिला से बोलने के लिए. And that topic was worship. और वो विषय था आराधना. Let's go to verse 23 right now. चले जाते हैं समय 23 वचन. It says, but the hour is coming. वचन कहता है परंतु वह समय आता है. And now is. बल्कि अब भी है. When the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. जिसमें सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. Now notice over here, Jesus said, true worshippers. गौर करें यहाँ पर यीशु ने कहा सच्चे आराधक. By saying that, Jesus also meant that there would be false worshippers. और ऐसा कहकर देखिए यीशु हमारे सामने इस बात को पेश कर रहे हैं कि अगर सच्चे आराधक हैं तो झूठे आराधक भी हैं. If there is a true, there is a false, and if there is a false, there has to be a true also. देखिए अगर सच्चा है तो झूठा भी होगा और अगर झूठा है तो सच्चा भी होगा. True worshippers will worship the Father how? In spirit and truth. सच्चे आराधक जो हैं कि आराधना करेंगे कैसे? आत्मा और सच्चाई से. So this spirit refers to the anointing of the Holy Spirit and truth refers to the word of God. देखिए आत्मा जो है यह पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बताता है और सच्चाई जो है यह परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है. I want you to understand this carefully. और चाहते हैं कि आप बड़े सावधानी पूर्वक समझ जाएं. Worship, सच्ची आराधना has two elements in it. It is the anointing, the power of the Holy Spirit that we worship in and the word of God that kind of influences or directs our worship. और सच्ची आराधना में देखिए दो प्रकार के तत्व का होना बहुत ही जरूरी है. पहला जो है आत्मा यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक इसमें समाया होना चाहिए और फिर दूसरा जो है परमेश्वर का वचन जो हमारी अगुवाई करें. Sometimes we can worship in a manner that is not prescribed in the word of God. Are you with me? और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि ऐसी आराधना करने लग जाते हैं जो कि परमेश्वर के वचन में उस तरह से नहीं सिखाया गया है. Our emotion should not cause us to do something that is not in the word of God. Please listen carefully. देखिए हमारी भावनाएं जो हैं हमें कुछ ऐसा करने के लिए उकसानी नहीं चाहिए जो कि परमेश्वर के वचन में दर्ज नहीं है. Our worship must be guided, influenced and directed by the word of God itself. लेकिन हमारी आराधना जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई पानी चाहिए, उसका मार्गदर्शन होना चाहिए. That's the kind of worship that pleases the Father. और इसी प्रकार का आराधना जो है पिता को खुश करता है. So it further on says, for the Father is seeking such to worship him. और देखिए आगे वचन में लिखा है कि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है. So that means true worship is in such low availability. तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के आराधकों की संख्या बहुत ही कम है. And the Father desires his worship. आराधकों की लालसा करता है और हमें पूरा यकीन है कि आप इस सूची में शामिल हो रहे हैं. Verse 24. God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. 24वां वचन परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें. Today as I'm speaking about worship. और जैसे आज चर्चा कर रहे हैं आराधना पर. Please listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए. Worship is the highest form of relationship, you know, with the Father. आराधना करना जो है पिता के साथ एकदम ऊंचे स्तर का एक रिश्ता है. You know, many people start with prayer, you know, and there's nothing wrong with that. Asking, you know, give me this, give me that, give me that, and that's good. Okay, it's a lower form of relationship. But when a person leaves that level and goes into worship, your relationship will with the Lord, with God, will go to a different level. Are you with me right now? और देखिए बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं. प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे. इसमें कोई खराबी नहीं है, चलता है. लेकिन आप देखते हैं ये बहुत ही निचले स्तर का रिश्ता होता है. लेकिन जब आप इन चीजों को दरकिनार करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो यह पिता के साथ आपका एक मजबूत और उच्च स्तर का रिश्ता कायम करता है. Somebody lift your hands and shout hallelujah. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे हालेलुया. So if you need to build your relationship with the Lord. तो अगर आप अपेक्षा करते हैं कि पिता के साथ आपका रिश्ता
रिश्ता मजबूत होए लिसन केयरफुली बड़े ध्यान से सुनिए इफ यू नीड टू डेवलप योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड अगर आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और विकसित करना चाहते हैं यू नीड टू ग्रो इन वर्शिप तो जरूरी है कि आप आराधना में बढ़ें आर यू फॉलोइंग मी राइट नाउ आपको समझ में आ रहा है इस वक्त कैन आई शेयर दिस विद यू क्या आपके साथ ये बांट सकते हैं इस वक्त इट मे सरप्राइज यू दैट वेयर द वर्ड वर्शिप इज मेंशन फर्स्ट टाइम इन द बाइबल और देखिए ये आपको चौंका कर रख देगी कि बाइबल में आराधना शब्द का सबसे पहली बार जिक्र कहां हुआ है यू नो व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी समथिंग इन द बाइबल इट्स कॉल्ड इन थियोलॉजी इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन और देखिए जब कभी आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो देखिए एक प्रकार के जो इस तरह का देखिए एक नियम होता है कि पहले जहां पर दर्ज हुआ है उसका नियम आई वांट यू टू लिसन वेरी केयरफुली राइट नाउ और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुनें नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस जब आप इसे समझ जाते हैं यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्शिप एक्चुअली तो दरअसल आपको यह समझ में आएगा कि आराधना दरअसल क्या है सो गो विद मी टू द बुक ऑफ जेनेसिस 22 राइट नाउ चलिए निकालें इस समय उत्पत्ति के 22वां अध्याय में अगेन वेरी फैमिलियर पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर लेट्स गो विद वर्स 3 नाउ फिर से एकदम जाना पहचाना सा आयत है लेकिन अब देखेंगे इस समय तीसरे वचन में सो अब्राहम रोज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सैडल्ड हिज डोंकी देखिए वचन में लिखा अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे को तैयार किया एंड took two of the young men with him and Isaac his son and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him उस पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि के लकड़ी चीर ली तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी अब्राहम सन वाज आइज़क अब्राहम का बेटा इसहाक था एंड मोस्ट ऑफ अस नो दैट गॉड हैड टोल्ड अब्राहम दैट ही सेज आई वांट यू टू ऑफर योर सन आइज़क ऑन अ पर्टिकुलर माउंटेन कॉल्ड मोरिया हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अब्राहम मैं चाहता हूं कि तू अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान करके चढ़ा एंड ही वेंट टू द प्लेस ऑफ व्हिच गॉड हैड टोल्ड हिम और वो उस जगह पर गया जहां परमेश्वर ने उससे कहा था Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place far off. तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा And Abraham said to his young men, और अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा You guys stay over here with the donkey. तुम सभी लोग गधे के पास यहीं ठहरे रहो। The lad that is Isaac and I will go and worship and will come back to you। ये लड़का यानी इसहाक और मैं वहाँ तक जाकर और आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। Now we know what was the intent. Abraham was about to sacrifice his son Isaac and he called it worship. Hello, are you with me right now? यहाँ पर एक मुख्य इरादा जो अब्राहम का था उसे हम समझ सकते हैं कि अब्राहम जो है अपने बेटे इसहाक को जाके बलिदान करने वाला था लेकिन उस बात को ये आराधना कहता है He called that worship. उसे उसने आराधना कहा Are you listening right now? आप सुन रहे Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए It will lead you today into a different realm of the spirit today. देखिए ये आपकी अगुवाई करेगी आज आत्मा के एक अलग ही आयाम में. So you see when God talks about worship it involves sacrifice. तो देखिए जब परमेश्वर आराधना के बारे में बात करता है तो वो उसमें बलिदान को भी शामिल करता है. We don't worship God in our convenience. We worship God sacrificially. Come on somebody. देखिए हम परमेश्वर की आराधना हमारे लिए जो आरामदायक या सुविधा जनक स्तर है उसके मुताबिक नहीं करते लेकिन हम परमेश्वर की आराधना बलिदान के साथ करते हैं. You know, Jesus spoke about this sacrificial thing right now. देखिए यीशु ने भी इस बलिदान रूपी चीज के बारे में बताया. He said, "Seek first." यीशु ने कहा पहले ढूंढो. Seek first. पहले ढूंढो. Not second, not third. दूसरी बार या फिर तीसरे स्थान पे नहीं. In other words, दूसरे शब्दों में, you start your day with worship. आप अपने दिन की शुरुआत आराधना के साथ It's करें. It's not easy. यह आसान नहीं होता. Because when you get up, there are 101 things on your mind. क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपके मन में, आपके दिमाग में 101 चीजें चल रही होती हैं. Oh, I got to meet the doctor. I need to meet this one. I need to meet Susie. I need to meet Harry. I need to meet Carrie and all that stuff, you know. और मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे सूजी से, मुझे हैरी से, कई लोगों से मिलना है. ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं. But God says. लेकिन परमेश्वर कहता है Give me the best portion of your day. He says, seek first the kingdom of God. Hello, hello, hello. लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने दिन का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा जो है वो मुझे दो. परमेश्वर कहता है सबसे पहले उसके राज्य को ढूंढो. See, worship is always sacrificial, whether it's in the Old Testament or in the New Testament. It's not changed. Worship is sacrificial. Can I have a good amen, somebody? इसी वजह से देखते हैं कि आराधना करना एक बलिदान रूपी तौर पे होता है, चाहे पुराने नियम में हो या नए नियम में. आराधना हमेशा
कान में रहता है. What is worship? आराधना क्या है? Is laying down your agenda in favor of His. Come on, somebody. और आराधना का मतलब ये होता है कि आप अपने उद्देश्य, आप अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को एक और उसके सामने रख देते हैं, उसकी इच्छा और मर्जी पूरी करें. Sometimes we want to pray about so many things. और देख कभी-कभी हम बहुत सारी चीजों के बारे में प्रार्थना करना चाहते हैं. The Lord says. और फिर प्रभु कहता है. Leave all those things aside. उन सारी चीजों को दरकिनार कर दो. Just worship me. बस मेरी आराधना करो. It's so difficult. ये बहुत मुश्किल होता है. God says just lay it down. लेकिन परमेश्वर कहता है बस उसे रख दो. Oh Lord, I want to grow in the gifts of the Holy Spirit. प्रभु मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ना चाहता हूँ. Pray about this, Lord. मैं इसके बारे में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु. The Lord says just worship me. प्रभु कहता है बस मेरी आराधना करो. You know it's not easy. ये आसान नहीं. People like to hear a nice sermon, you know. लोग जो है अच्छे-अच्छे संदेश को सुनना पसंद करते हैं. Oh, they want to go into the Greek and the you know the Hebrew and the Aramaic and all that. And that's good, okay. और देखिए वे यूनानी भाषा जो हिब्रू भाषा जो होती है, जो आरामिक भाषा होती है, उसमें जाकर अध्ययन करना पसंद करते हैं. ये अच्छी बात है. 21 years of ministry. और इन 21 सालों की सेवकाई में I've seen people. पासवान जी ने देखे लोगों को. When the worship is going on. जब आराधना का सत्र चल रहा होता है. They're so distracted. उनका ध्यान बहुत भटकता है. Sometimes they will come after the worship is over. और कभी-कभी तो आराधना का सत्र खत्म होने के बाद भी आते हैं. Are you following me right now? आप समझ रहे हैं? Today, आज. We're going to give time to God. We're not going to do anything today. We're going to worship God and we're going to see the glory of God invade our homes. Can I somebody shout amen? आज somebody. हम परमेश्वर को समय देने जा रहे हैं. परमेश्वर की हम आराधना करेंगे. ऐसी आराधना से पहले कभी ना हुआ, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में छा जाए. Few days back. कुछ दिनों पहले. I was worshiping the Lord in my room. पासवाजी अपने कमरे में प्रभु की आराधना कर रहे थे. The Holy Spirit said to me. फिर पवित्र आत्मा ने इनसे कहा. He said, son, even as people worship today in their homes. पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटे जैसे आज लोग अपने घरों में प्रभु की आराधना करते हैं. They will sense a feeling of my fragrance. उन्हें मेरी सुगंध का अनुभव मिलेगा. Hello, are you listening right now? Okay, आप सुन रहे हैं इस वक्त? A fragrance will be released in their homes. उनके घरों में सुगंध जो है मुक्त हो जाएगी. And I was like, God, I'm on the internet, Lord. I don't have anybody. I'm staring into the blank screen of the camera. पासवाजी कहने लगे कि प्रभु मैं तो बिल्कुल कैमरे पे बिल्कुल बोल रहा होगा, कोई वहां नहीं होगा. And Lord, what if it doesn't happen? He says, son, it always happens. और प्रभु अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए प्रभु ने कहा बेटे ये हमेशा होता है. I you know I had to step out in faith the other day. और उस दिन विश्वास में उनको कदम उठाना पड़ा. And declare what the Lord told me. और जो प्रभु ने ऐसे कहा था उसकी घोषणा करनी पड़ी. And today as I was meditating upon the word. और जैसे आज वचन पे मन कर रहे थे. The Holy Spirit reminded me of this. पवित्र आत्मा ने इस बात का स्मरण कराया. That he says the same thing is going to happen even today in many homes. और वही चीज आज भी बहुत सारे घरों में होने जा रही है. You know people started calling us. देखिए लोग जो है कॉल करने लग गए. Even after the service was over, the live service was over, people started calling us a pastor. You know, they started telling my staff, says we were worshiping the Lord at home, and suddenly the atmosphere changed, and as if somebody's broken a perfume bottle, as if it's happening and it's lingering, and I was like, thank you, Lord. और सभा खत्म होने के बाद भी लोग कॉल करके बता रहे थे कि yes. जब मैं प्रभु की आराधना करने लगा तो ऐसा लगा जिससे किसी ने इत्र की जो बोतल होती उसे तोड़ दी और पूरे घर में जो है सुगंध और खुशबू छा गई थी. Now for those who like to know the word as a foundation for every experience, you see when that woman went to worship the Lord, she broke that flask. It was an act of worship, and the Bible says the fragrance of that worship, it was not the fragrance of that alabaster flask, it filled the whole room prophetically. Are you listening right now? और जो लोग देखे इसके समर्थन में वचन तो आपको बताते हैं वो महिला जो यीशु मसीह के पास आई, हम देखते हैं संगमरमर के पात्र में उसे इत्र लाई और उस पात्र को उसने तोड़ दिया था. देखिए उस पात्र के वजह से नहीं, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के सुगंध से पूरे उस घर को उसने भर दिया था. I want to tell everyone watching me today. हर एक से हम कहना चाहते जो देख रहे हैं. You may be in a two bedroom flat, you may be in a duplex, or you may be in a small house. Doesn't matter. Where the king comes, that place changes. Hallelujah. हो सकता है आप दो बेडरूम फ्लैट में रहते हैं, डुप्लेक्स फ्लैट में रहते हो, या झोपड़े में रहते हो, लेकिन yes. जहां राजा आता है तो वहां सब कुछ बदलना ही होता you है. You may be living in a small house, no problem. शायद हो सकता है छोटे से घर में रहते हो, कोई बात नहीं. But will you welcome him? लेकिन क्या आप उसका स्वागत करेंगे? Will you worship him? क्या आप प्रभु की आराधना करेंगे? Like never before. जैसा पहले कभी will ना you हुआ. Lay aside everything. क्या आप सब कुछ एक और रख देंगे? Will you just say, come on, switch off everything right now, and we as a family are going to worship the Lord today with all our hearts. Somebody shout hallelujah. Come on. हम एक परिवार के रूप में सब मिलकर अपने पूरे दिल से
प्रभु की आराधना करेंगे. Go with me to 2 Corinthians chapter 2 verse 15. चले निकालें समय दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 15 वचन में. See what the word of God says over there. देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है. For we are to God. हम परमेश्वर के लिए. What? क्या? The fragrance of Christ. हम मसीह के सुगंध हैं. The fragrance of Christ. मसीह के सुगंध हैं. You see when God smells us. देखिए जब परमेश्वर हमारी खुशबू लेता है. He smells His Son Jesus. और देखिए वो अपने बेटे यीशु की सुगंध लेता है. You see when Jacob went to meet his father Isaac. अब देखते हैं कि जब याकूब अपने पिता इसहाक से मिलने गया. Isaac said this is not exactly feeling like my son, but let me smell him. और देखिए वो ऐसा कहने लगा मुझे ये अपने बेटे जैसा नहीं लग रहा लेकिन चलो इसकी गंध लेके मैं देखता हूँ. It's the same thing. देखिए वही चीज़ है. Maybe we don't feel like Jesus to the Father, but now He's smelling us. Now this is a prophetic thing I'm talking about. Please listen. He smells us. और देखिए पहले देखिए पिता जो है हमारी गंध लेता है तो पुत्र यीशु के समान हमारी सुगंध आती है. And he smells us. और वो हमारी गंध लेता है. Just like Isaac smelled his son, he says, "Wow, that's my son." Esau, hey, are you listening right now? जैसे इसहाक ने अपने बेटे की गंध लिया और उसने कहा, ओ बढ़िया, ये मेरा बेटा इसाव है. That's a parallel over there. और देखिए यही यहाँ पर जुड़ाव देखते हैं. So when he smells us, जब वो एक गंध लेता है, he smells his son Jesus. वो अपने बेटे यीशु की सुगंध को पाता है. Now read that verse again with this understanding. उस वचन को फिर से पढ़ेंगे समझ के साथ. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Are you following me right now? And we with that fragrance we are moving. It's like literally the fragrance of Christ is being diffused in every place. देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. तो जब हम जाते हैं देखिए उस मसीह की सुगंध को आप अपने साथ लेके जाते हैं. How does this fragrance come into our lives? कैसे ये सुगंध हमारी जिंदगी में आती है? It will happen today. ये होगा आज. I want to encourage everyone. हर एक को उत्साहित करना चाहते हैं. Please listen to me. सुनिए ध्यान से. At one point you will say, "Bas now, enough now, worship now, okay, finish now." No. और एक स्तर पे देखिए आप ऐसा कहते हैं बस बहुत हो गया अभी आराधना बहुत कर लिए चलो. Hello, listen to me. सुनिए. One day we started worshiping. एक दिन हमने आराधना करना शुरू किया. And I was like, close your eyes. और पासवान जी कह रहे थे अपनी आंखें बंद करें. After 2 minutes. 2 मिनट के बाद. People opening their eyes. लोग अपनी आंखें खोल रहे हैं. Small children are better. छोटे बच्चे लोग अच्छे होते हैं. Elders ना. जब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वे. I'm telling you. कहते हैं आपसे. Just get drawn, just lost in His presence, and as we go into worship. और बस उसकी उपस्थिति में डूब जाए, समा जाए, जैसे हम आराधना के सत्र में जाते हैं. What will happen as you do that? और क्या होगा देखिए जैसे आप ये करते हैं. You become joined with His Spirit. आप उसके आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे. And the Bible says he who is joined to the Lord is one spirit. और बाइबल ऐसा कहता है जो प्रभु के साथ जुड़ जाता है वो एक आत्मा हो जाता है. And then you become the fragrance of Christ. फिर उसके बाद आप मसीह की सुगंध बन जाते हैं. Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? It becomes a lifestyle when it becomes a lifestyle. और देखिए एक प्रकार की जीवन शैली बन जाती है. Wherever you go. जहां कहीं आप जाते हैं your people will smell Christ through you. लोग आपके जरिए मसीह की सुगंध लेने लगेंगे. Come on somebody, hallelujah. चलिए कोई तो कहे hallelujah. Worship is not an event, worship is a lifestyle. और ये आराधना करना कोई वाकया नहीं है एक बार कहीं हो जाना नहीं नहीं ये जीवन शैली है. Worship is not something that you do on Sundays, no sir. और आराधना कोई ऐसी चीज नहीं जो बस आप एक रविवार को करते हैं. Worship is a lifestyle. आराधना करना एक जीवन worship शैली है. Worship is something that you do regularly. आराधना कुछ ऐसी चीज है जो नियमित तौर पे आप करते रहते हैं. Come on somebody needs to say hallelujah.